नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी भी शोध में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी आम का राई और लहसुन डाला अचार। जैसा कि मैं पिछले साल भी अचार आपको बना के दिखाई थी, पर वो गुड़ का अचार था, यानी उसमें चटपटा अचार था, गुड़ डाल के बनाई थी। इस वजह से हम राई और लहसुन नहीं डाले थे। तो तमाम हमारी बहनों का प्रश्न था कि आपने राई और लहसुन अचार में नहीं डाला, तो इस बार मैं आपको दिखा रही हूँ ये अचार के आम का राई और लहसुन डाला स्वादिष्ट अचार। तो सबसे पहले ये 2 किलो आम है, तो हम इसको रात भर पानी में भिगा दिए थे। भिगाने के बाद आम जो है धूप लगता है और जो इसकी गर्मी होती है वो भिगाने के बाद निकल जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे अचार बनाना, इसको काटेंगे और उसके बाद मैं इसको हटा के दिखा दे रही हूँ कि मसाले क्या क्या लगते हैं। ये देखिए, ये मसाले हैं, ये सौंफ है 100 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम और ये है राई, जो कि मेन अचार में इस बार मैं डालूंगी। ये राई है 100 ग्राम, ये नमक है 200 ग्राम और ये 50 ग्राम करायल है और ये हींग है। और मैं आपको दिखाऊंगी और भी चीज़, ये है सूखा मिर्चा, जो कि हम बाज़ार का जो एकदम बारीक मिर्चा का कुटा हुआ रहता है वो नहीं डालते, उससे अचार ख़राब हो जाता है। हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे दरदरा। ये लहसुन है, इसको छील लेंगे और ये सरसों का शुद्ध तेल है। तमाम हमारी बहनें प्रश्न करती हैं कि सरसों के तेल के अलावा क्या हम दूसरा तेल नहीं डाल सकते, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अचार में सरसों का शुद्ध तेल ही पड़ता है, दूसरा कोई तेल नहीं। तो ये सब हम आपको दिखा दिए हैं और इसको हम आगे भून के पीस के भी दिखाएंगे। इसको हम हटा देते हैं और सबसे पहले ये है अमकस, जो कि आम को काटा जाता है। तो आम को आप काटने के लिए अमकस मंगवा लीजिए, वैसे एक अमकस रहता है तो आस पड़ोस में मांग के सभी काम कर लेते हैं। तो आम को पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगी इसको, कि आम को इसको काट लेना चाहिए, पहले ऐसे करके इसको काटें, ये इसमें जो चोपी रहता है वो निकल जाता है। पूरे आम को ऐसे काट के निकालें इसको, इसी तरीके से हम पूरे आम का ये निकाल देंगे, इसका चोपी भी निकल जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, जैसे कि ये आम बहुत बड़ा है तो इसका हम एक आम में 4 नहीं 8 फाड़ी कर देते हैं, काफ़ी बड़ा आम है। ये देखिए इस टाइप का, ये देखिए इसी तरीके से हम सारे आम को 8 फाड़ी में कर लेंगे। आप चाहें तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं आम को। तो इसमें नमक भी मिला देते हैं, हल्दी भी मिला दिए हैं और इसको हम मिला देंगे अच्छी तरीके से। ये मिल गया है नमक हल्दी, ये साफ डिब्बा है, इसमें हम ऐसे भर के 1-2 दिन तक रख देंगे तो ये पानी छोड़ेगा आम। और ये बचा हुआ है नमक और हल्दी, इसमें ऊपर से ऐसे हम डाल देंगे ऐसे। ये तो ये सभी मसालों को मैं भूनूंगी। पिछले एपिसोड में भी जो अचार का बताई थी वो ऐसा ही है। फिर भी जो हमारे नए यूजर जुड़े हुए हैं उनके लिए आसान हो जाएगा, उनके लिए फिर से दोबारा मैं हर बार करके दिखाती हूँ। तो ये मेथी है, इसको हम डाल देते हैं। मसालों को अलग अलग ही भूनते हैं तो उनको भूनने का थोड़ा तरीका अलग होता है। ये थोड़ा मेथी हार्ड होता है, कड़ा होता है, तो इसको हम अलग भूनते हैं। तो ये मेथी देखो चिटचिटाने लगी है और इसका कलर भी बदल गया है, आप देखोगे तो ये इसका कलर भी बदल गया है। मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर हम यहाँ इसको निकाल लेंगे,
ये, और इसी तरीके से सभी मसालों को भून लेंगे। जैसे ये धनिया है, कई लोग धनिया नहीं डालते पर हम धनिया को औषधि मानते हैं, वो ठंडा होता है इसलिए अचार में डालते हैं। ये सौंफ है, एक साथ बाकी मसालों को डाल देंगे। ये जीरा है, इसको भी डाल देंगे, और ये करायल है, इसको भी हम डाल देंगे और पीस देंगे। थोड़ा सा अचार सांवला हो जाता है लेकिन स्वाद बढ़ जाता है। एक साथ हम इसको भून देंगे। ये सब मसाले नरम होते हैं तो जब भी हम अचार का मसाला भूनते हैं ये काफ़ी इसमें खुशबू आती है, वो खुशबू इसके अंदर जो है वो बाहर प्रकट हो जाती है, यानी पूरे घर में ये मसाला सुगंधित महकने लगते हैं। तो ये भी चिटचिटाने लगा है। कई जगह मैं देखी हूँ इन मसालों को बिना भूने खड़ा ही डाल देते हैं या बिना भूने पीस के डाल देते हैं। मैं उनसे बताई कि इसीलिए आपके अचार में स्वाद नहीं है। मैं उनको देती हूँ आस पड़ोस में, बोलते हैं आपका बहुत स्वादिष्ट अचार है, हम कहे मसालों को आप भून के डालो। ये देखो चिटचिटाने लगा, ये हो गया है ये। अब हम गैस को कम करके इसको निकाल लिए। तो आगे का मैं दिखा रही हूँ, ये है सरसों का शुद्ध तेल, 1 लीटर है, और 2 किलो आम बताई हूँ कि है। तो क्योंकि आम को साल भर तक रखना होता है, इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैं 1/2 लीटर तेल डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, 1/2 लीटर रख देती हूँ। गैस को तेज़ कर दूँगी। अब वैसे हम सभी अचार बनाते हैं, तेल को हम इसलिए गर्म करते हैं कि जो भी इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धता होती है वो जल जाती है और अचार भी नहीं ख़राब होता। ये जो हींग है, इस हींग को हम तेल में पकाएंगे तो जो अचार में थोड़ा बहुत इधर उधर हो के ख़राब होता है, कुछ भी ख़राब होता है, तो हींग की वजह से अचार रुका रहता है, यानी ख़राब नहीं होता है। कढ़ाही पहले से ही गर्म थी, हम इसमें तेल डाले तो तेल गर्म हो गया है। ये है हींग, हींग बहुत स्वादिष्ट होती है और किसी भी चीज़ को बचाती है सड़ने से। तो हींग को डाल दिए और जैसा कि मैं आपको दिखाई हूँ कि मैं अचार में आम का जो काटी थी उसमें हल्दी और नमक मिला के रखी हूँ। कुछ हल्दी उसमें पड़ गई है और कुछ हल्दी, अब हम दोबारा अचार में कच्ची हल्दी नहीं डालते हैं, इसी में हम हल्दी 2 चम्मच तेल में डाल देंगे तो पक भी जाएगी और पूरा अचार आपका पीला भी हो जाएगा। ये हो गया। अब ये है मेन चीज़ राई, जो कि राई कच्चा ही डाला जाता है, फिर भी देखिए हो गया। हम गैस को बंद कर दिए और पूरी राई को हम इसमें डाल दिए। तो ये क्या होगा कि राई भी थोड़ा सा भून जाएगा और अचार को स्वादिष्ट बना देगा। ये गैस को हम बंद कर दिए, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। ये हो गया। अब ये आराम से ठंडा होगा, ये ठंडा हो गया है पूरी तरह से। अब ये सारे मसालों को पीस लूँगी। और कभी भी आप बाज़ार का मसाला या रंग लाने के लिए कश्मीरी मिर्च मैं तो नहीं डालती हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन कश्मीरी मिर्च भी आप अगर थोड़ा सा डालना चाहें तो इसी तेल में ही डाल दें थोड़ा सा, वो भी सौंधा हो जाएगा, उसके बाद ही डालें। ये है मसाला, देखिए ये पीस चुका है, बहुत ही सुगंधित मसाला है ये। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। और इसको देखिए, मैं सुबह दिखाई थी लहसुन, उसको हम छील लिए हैं, छोटे जार में हम इस लहसुन को पीसेंगे। और इतना लहसुन खड़ा भी डालें, ये बहुत स्वादिष्ट आता है, ये इतना हम पीस लेंगे। इस बार हम आपको बता रहे हैं राई और लहसुन डाला स्वादिष्ट अचार, इसमें हम गुड़ बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये देखिए लहसुन भी पीस गया है। तो ये सभी मसाले रेडी हो गए हैं। अब ये जो आम है ये कल से कटा हुआ है, मतलब कल से हम इसको रखे हैं। किसी किसी आम में पानी कम निकलता है और किसी में ज़्यादा निकलता है।
ये देखिए, कोई कोई लोग इस पानी को भी इसी पानी में मसाले मिला के डाल देते हैं, जिनको तेल कम डालना है तो इसी में मसाले मिला के डाल देते हैं, पर हम इसमें से इस पानी को हम अलग कर देंगे, इसमें नहीं डालेंगे। ये तेल ठंडा हो गया है तो इसमें हम इसको डाल दे रहे हैं, और बाकी ये जो अचार है इसको भी इसमें निकाल ले रहे हैं। और इसमें डाल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हम इसलिए मिला रहे हैं, वैसे थाल में मिलाते हैं क्योंकि ज़्यादा अचार नहीं है, हम अपने लिए बना चुके हैं, सिर्फ आपको हम दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, किसी में है तो हम इसी में मिला के दिखा दे रहे हैं। ये खड़ा मसाला मतलब थोड़ा दरदरा हो गया है, ये खड़ा लहसुन, ये कूटी हुई मिर्च है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, ज़्यादा तीखा मत डालें, और अगर तीखा खाते हैं तो तीखा भी डालें, इतना मिर्च हम नहीं डालेंगे, ये ज़्यादा हो रहा है। और नमक जो कि पहले से डला हुआ है, थोड़ा नमक हम इसमें और मिलाएंगे, क्योंकि अचार में अगर नमक कम रहता है तो स्वादिष्ट नहीं रहता है, इतना डाल दिए हैं नमक को। और ये है लहसुन, एक लहसुन छीलने का वीडियो भी डला है आसान जिंदगी में, उसको देखें, क्योंकि लहसुन छीलने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये देखिए, ये लहसुन है, ये काफ़ी स्वाद को बढ़ा देगा, टेस्ट को बढ़ा देगा और सुगंध को बढ़ा देगा। जबकि मैं पिछले अचार में इसलिए नहीं डाली थी कि मैं उसमें गुड़ डाली थी, गुड़ डाल के चटपटा अचार बनाई थी। ये हो गया, और ये है मेन मसाला, जो कि इस बार हम करायल को पीस दिए हैं, थोड़ा सा सांवला ज़रूर होगा पर स्वाद बढ़ा देगा। ये है मेन मसाला, तो ये मेन मसाले को हम डाल दे रहे हैं, जिसमें सब है, धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी सब है, और मसाला भी आप अपने अनुसार डालें, कम ज़्यादा, मसाला ज़्यादा होगा तो भी अच्छा नहीं आएगा। और ये बाकी मसाला बचा है, तो तमाम हम अचार बनाते रहते हैं उसमें यूज कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह से चलाइए, पूरा अचार में मसाला मिल जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, लहसुन और राई दो चीज़ जो मैं मिक्स नहीं करी थी, तमाम हमारी बहनें बोलती थी लहसुन राई डाल के अचार बनाओ, तो ये रेडी हो गया चटपटा लहसुन राई का अचार। पूरे घर में हमारे सुगंध भर गया है, बच्चे बाहर से आते हैं बोलते हैं मम्मी क्या बनाई है क्या बनाई है, तो ये अचार तैयार है, और ठंडा भी हो गया है। तेल कभी गर्म रहे तो उसमें आपको नहीं डालना है, अचार को एकदम ठंडा करके, ये देखिए, तो ये तैयार हो गया लहसुन राई का चटपटा अचार। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि ये अचार है तो हम अपने अचार में बहुत तेल नहीं डालते, लेकिन अगर आपको साल भर तक के लिए रखना है तो इस अचार को आप डिब्बे में भर दें, जैसे हम इसमें भर देंगे, और इसके लेबल में यानी कि जैसे अचार यहाँ तक है तो थोड़ा सा ऊपर इतना तेल डाल दें कि ऊपर तक तेल रहे, तो ये अचार आपका ख़राब नहीं होगा। और इसको आप हिलाते रहें, डिब्बे के ऊपर नीचे करते रहें, तो इसमें नमक और जो भी मसाले हैं, काहे कि आप जब तेल डालोगे तो पूरा मसाला इसका नीचे चला जाएगा, तो ऊपर नीचे करने से पूरा मसाला अचार में भिनता रहेगा। तो ये डल गया राई लहसुन का चटपटा अचार। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो जो पीसा लहसुन डाला है तो उतने डालना आप, खड़ा लहसुन इसमें आप और दो चार पूती यानी जो बड़ा बड़ा दिखाई थी उसमें सिर्फ छील के खड़ा लहसुन डाल सकते हैं, इसमें आप तेल भर दीजिए, यह अचार आपका साल भर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और मैं आपको अचार का रेसिपी बताई हूँ, अचार आप खा के देखें, अपने प्रियजनों को खिला के देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस गर्मियों में सब अचार सब लोग बनाएं, इसका स्वाद लें, और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।